अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों वेलकम बैक आई एम योर टीचर और आज है हमारा यूनिट नंबर थ्री जिसमें हम एक और प्राइमरी कलर सीखने लगे हैं एंड द कलर इज येलो हाँ जी अभी हम उसी पे बात करेंगे आगे क्योंकि येलो वो कलर है जो हमारे सराउंडिंग्स में बहुत ज्यादा पाया जाता है और बहुत सारे लोगों को वो बहुत पसंद भी है सो हैव अ लुक एट द पेज ऑफ द बुक इंट्रोडक्शन ऑफ येलो कलर देयर आर पिक्चर्स हियर जिसमें है जनाब एक मैंगो अ ग्लास ऑफ मिल्क शेक लेमन एंड देर आर सम एक्टिविटीज ऑल्सो जिसमें हम आज येलो कलर को लर्न करेंगे और उसकी लर्निंग को सेलिब्रेट करेंगे टीचर्स ई येलो वही है कि आज चूंकि हमने थर्ड प्राइमरी कलर को सीखना है प्राइमरी कलर्स आर ब्लू रेड एंड येलो सो इन इन दिस स्टेज वी लर्न अबाउट प्राइमरी कलर्स बिकॉज प्यारे बच्चों प्राइमरी कलर्स को जब हम मुख्तलि तरीक़ों से मिक्स करते हैं तो सेकेंडरी कलर्स बनते हैं जिनको हम आगे जाके भी पढ़ेंगे लेकिन आज हमारा तीसरा प्राइमरी कलर है जिसका नाम है येलो कलर टीचर्स स्टूडेंट शुड बी एबल टू रिकग्नाइज नेम एंड डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी कलर्स एंड स्पेशली द थ्री वी हैव डन एंड दे विल ऑल्सो मैच एंड कंपेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट प्राइमरी कलर्स लेमन इज ऑफ येलो कलर इस कलर का नाम क्या है येलो उर्दू में इसको हम पीला कहते हैं इंग्लिश में इसको कहते हैं येलो येलो कलर सो टीचर्स अब आपने बच्चों को क्लासरूम में जो येलो मटीरियल अरेन्ज किया हुआ आपने वो दिखा के येलो कलर की आइडेंटिफिकेशन करें क्योंकि जब आप आइडेंटिफिकेशन करवा लेंगे तो इन्होंने कॉर्नर्स में से जाके वो ऑब्जेक्ट्स ढूंढ के लेके आने होंगे जो उनको लगे कि ये येलो कलर के हैं सो so, अभी आपने ऑब्जेक्ट्स की मदद से इनका कॉन्सेप्ट और इस कलर की आइडेंटिफिकेशन करवानी है सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड टेक योर टाइम जी प्यारे बच्चों जब टीचर आपको येलो कलर के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी और चीजें दिखा रही थी तो क्या आप गौर से देख रहे थे चले आइए अब थोड़ा सा एक आपका टेस्ट लेते हैं और देखते हैं कि क्या अगर एक ग्रुप को मैं साइंस कॉर्नर में भेजू तो क्या वो येलो ऑब्जेक्ट्स लेके आ सकते हैं एंड इफ आई सेंड टी अदर ग्रुप इन टू द मैथ्स कॉर्नर कैन दे फाइंड समथिंग येलो सो टीचर्स बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर लें सेंड देम इन टू पार्ट्स साइंस कॉर्नर मैथ कॉर्नर और देखते हैं जो आपने बच्चों को येलो कलर के बारे में अंडरस्टैंडिंग डेवलप की वो कहां तक वर्क हुई और उन्होंने कहां तक उसको सीखा सो गो चिल्ड्रन सम येलो ऑब्जेक्ट्स एंड देन गेट बैक टू योर सीट्स एंड आई एम वेटिंग हियर फॉर यू जी अभी आप जो तो चीजें अपनी टेबल पे लेकर आए हैं जरा आप आपस में डिस्कस तो करें जरा शेयर तो करें कि मैथ वाले ग्रुप ने साइंस वाले ग्रुप को क्या दिखा रहे हैं और साइंस वाले ग्रुप को क्या मिला जो वो मैथ्स वाले ग्रुप को दिखा रहे हैं सो टीचर्स मैचिंग एंड कंपेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो तब तक बच्चों का स्ट्रॉग नहीं होगा जब तक दे विल नॉट ऑब्जर्व ईच अदर्स वर्क एंड देयर ऑब्जेक्ट्स एंड टॉक अबाउट इट सो गिव दम अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टू ईच अदर वट एवर दे ब्रॉड फ्रॉम द साइंस कॉर्नर एंड इन द मैथ कॉर्नर इट कैन बी ब्लॉग्स फॉर एग्जाम्पल इन दिस पिक्चर यू कैन सी देर आर सर्टन एनिमल दिस टाइगर इज येलो मे बी दे आर प्लेडोज विच आर येलो And in the math corner, if they have found blocks or cubes, let them bring, let them speak, let them share it with each other. This is the main purpose of the uh, SLO today that we have to make sure they learn the sound uh, and the name of the color, and they can compare the objects. So then after that, we'll have a gross motor skill activity. in the classroom, you have yellow Now you have to go the playground and yellow. Maybe you are able to find some flowers. मे बी यू कैन सी अ बटरफ्लाई फ्लाइंग ग्राउंड ऑफ़ येलो कलर मे बी देर इज अ ट्री जिसके ऊपर छोटा सा येलो कोई फ्रूट लगा हो मे बी देर इज अ लेमन ट्री वट एवर इट इज़ अराउंड यू यू हैव टू आइडेंटिफाई थ्रू योर एक्टिविटी इन द प्ले ग्राउंड अबाउट द येलो ऑब्जेक्ट सो टीचर्स इनको लेसन के बाद प्ले ग्राउंड में जरूर लेके जाए ताकि इन्वायरमेंट में से येलो चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकें एंड एस्पेशली द सन शाइनिंग ऑन योर हैड इज़ ऑल्सो येलो तो अभी प्यारे बच्चों एक छोटी सी येलो कलर की पोएम भी साथ साथ कर लेते हैं क्योंकि आपने प्ले ग्राउंड में जाके पोएम भी सिंग करनी होगीवरीबडी प्लीज स्टैंड श्योर यू लर्न द पोएम बाई हार्ट ऑल्सो येलो इज द स्टार येलो इज द सन येलो इज द मून वेन द डे इज डन येलो इज द स्टार येलो इज द सन मून वेन द डे इज डन सो टीचर्स बच्चों से एक्शन के साथ ये पोइम सिंग करा लें इट्स वेरी शॉर्ट एंड सिम्पल पोएम इट गिवन इन द बुक मेक अ स्मॉल पोस्टर आउट ऑफ इट एंड डिस्प्लेट इन द क्लासरूम और बच्चों को वक्ता फोवक्ता ये पोइम्स की एक्टिविटी करवा के इनको जो है कलर्स की रिकग्निशन में जो है वो प्रैक्टिस और री एनफोर्स करवाते रहे क्योंकि छोटे बच्चे हैं इनको री एनफोर्समेंट की बहुत जरूरत है तो अभी एक सजेस्टेड एक्टिविटी पैर बच्चों अब आपने क्या करना है पोइम भी सिंह की आपने और आपने जो है वो डिस्कशन भी की चीज़ों को कंपेयर भी किया तो अभी आपने ये करना है कि जैसे आपने ब्लू एंड रेड के लिए घर से कोई चीज़ ढूंढी थी आज आपने येलो के लिए कोई चीज़ ढूंढ के लेके आनी है क्योंकि कल आप हमें बताएंगे कि घर में क्या क्या चीज़ येलो थी और आप क्या लेके आ सके एंड देन यू विल टेक दैट थिंग बैक होम ऑल्सो इसके साथ साथ एक छोटी सी कलरिंग की वर्कशीट जिसमें दे बास्केट and there are some mangoes in it. and what is the color of a mango? it is yellow, exactly. so once you finish this coloring, please bring it to school and make sure teachers and and then start the lesson. we will start the lesson as it, uh, using those objects as a brainstorm activity. so until and unless you don't remember all the name of the colors and you're not able to identify and differentiate between them, योर लर्निंग वोट बी स्ट्रॉन्ग सो टीचर्स इनसे एक्टिविटी जरूर करवाएं और कलर्स की रिकग्निशन करवाएं टेक केयर इन अल्लाह हाफिज